जय हिंद दोस्तों। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का एग्जामिनेशन होने के बाद दोनों के एक साथ आप सभी के लिए कट ऑफ लेकर आ गए हूं दोस्तों। अब आपको जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और बता दूं, जो आंकड़े बताए जाएंगे आप एग्जैक्ट भले स्क्रीनशॉट रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े बताए जाएंगे दोस्तों। भले आपको अच्छा लगे तो इस चैनल से जुड़ना और टेलीग्राम पर एग्जैक्ट आंकड़े डालता हूं उसको ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक है। देखिए दोस्तों, लेवल फर्स्ट का एक तरफ है और लेवल सेकंड का जो कल साइंस का एग्जाम हुआ था उसका भी एग्जैक्ट आंकड़ा कट ऑफ का लेकर आ गया हूं। अगर आपके कितना स्कोर बन रहा है तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं लेवल फर्स्ट का भी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 25 तारीख को एग्जाम था उसका एग्जैक्ट आंकड़ा लेकर आ गया हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर अपन बात करें लेवल फर्स्ट के लिए तो आपकी उपस्थिति 91% प्लस थी। मैं वो आपके लिए पूरी पीडीएफ वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। अगर अपन पेपर के लेवल की बात करें, लेवल फर्स्ट के दोनों के एक साथ चलेगी दोस्तों, यहां पर आपकी उपस्थिति लेवल फर्स्ट के अंदर 91 थी, तो लेवल सेकंड के अंदर यहां पर अपन साइंस की बात कर रहे हैं, ये चीज मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर अपन मैथ्स और बायो दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर आपकी जो उपस्थिति थी वो 94 प्लस थी। अगर पेपर का लेवल यहां पर देखें दोस्तों, तो यहां पर बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, पेपर का लेवल तो ईजी था, बहुत 90% चैनल। लेकिन मैं बता दूं, जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पेपर का लेवल इजी हो ही नहीं सकता। जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर पेपर का लेवल इजी होता तो 150 में से कैंडिडेट 150 करके आता। पेपर का लेवल इजी नहीं था इसीलिए वो 150 में से 105, 110, 120 इतना ही करके आया। इसी वजह से करके आया, उसके बावजूद वो ओनली फॉर नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर 110 अटेम्प्ट करके आया है तो वो 95 पर आएगा। इसके पीछे का एकमात्र कारण है सिर्फ नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो वो 110 करके आता, 110 सही होते तो उसके 10 और तुक्के लगकर वो 120 पर जाता। ये जो बीच में 20-30 नंबर का 20-30 क्वेश्चंस का गैप डलता है ना, ये केवल नेगेटिव मार्किंग की वजह से डलता है। तो कैसे बोल सकते हो पेपर का लेवल इजी था? मैं बोल रहा हूं जो लेवल फर्स्ट का पेपर था ना, यहां पर आप 80 और 20 का रेशियो रख सकते हैं। मतलब जो आपका मॉडरेट लेवल और आपका हार्ड लेवल, इसके बीच का रेशियो है ना, ये आप ये जरूर रख सकते हैं। जिसके लिए आपकी पोस्ट थी वो 21,000 थी। और यहां पर जो मैंने कल भी बताया था, पेपर का लेवल का आप 40-60 रख सकते हैं, मैकेनिकल मतलब मॉडरेट और हार्ड। यहां का जो जीके का पोर्शन था ना लेवल सेकंड के अंदर, जीके का पोर्शन जरूर इजी था लेकिन जो सब्जेक्ट था ना वो अच्छा खासा था। आप कॉमेंट करके अपना स्कोर भी जरूर बताना कि आपका जो सब्जेक्ट का लेवल था ना वो दोस्तों अच्छा खासा था। रियलिटी में जीके था वो जरूर हम बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जो सब्जेक्ट था ना उसने बड़ों बड़ों की मतलब क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं उनको, बड़े बड़े चैनल्स को। चलिए ठीक है, अगर अपन बात करें पोस्ट की तो लगभग 21,000 पोस्ट हैं। एग्जामिनेशन लगभग 2 लाख के आसपास कैंडिडेट ने आपका एग्जाम दिया। पूरा पीडीएफ मैंने डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर, 1 लाख कुछ है। अब देखिए अपन सेफ स्कोर की बात करते हैं। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग थी जो पूरा का पूरा गेम पलट करेगी, नंबर ऑफ अटेंडेंस गेम पलट करेगी, पेपर का जो लेवल था वो, ये सब चीजें है ना, ये पूरे के पूरे पेपर का लेवल ही चेंज कर देंगी। अगर अपन अब्सेंट की बात करें तो लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट अब्सेंट थे, 1,83,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया है साइंस लेवल का। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं लेवल फर्स्ट की, कि भाई लेवल फर्स्ट के अंदर कितनी कट ऑफ आपकी अप्रोक्सीमेट जा सकती है। मैं अगर जनरल कैटेगरी के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी जो आपका नॉन टीएसपी है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं। नॉन टीएसपी के अंदर लेवल फर्स्ट के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेट 98 क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस में बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं क्वेश्चंस में से बता रहा हूं, 150 क्वेश्चन में से 98 क्वेश्चन अगर आपके ठीक बन रहे हैं, 101% आप सिलेक्शन लेकर जाओगे, इस चीज की गारंटी मेरी है, 101%। अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो लगभग 91 से लेकर 93 के अराउंड, अगर इतने क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप सिलेक्शन की दौड़ में हो, बिल्कुल 100%। अगर अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लगभग आप ये मानकर चलिएगा 85 से लेकर 88 क्वेश्चंस के अराउंड, मैं क्वेश्चंस में बात कर रहा हूं, 88 क्वेश्चंस के अराउंड। अगर अपन एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो मतलब आप यही मानकर चलिएगा कि मतलब यहां पर आपकी 81 से लेकर आपकी 83 क्वेश्चंस के अराउंड है वो कट ऑफ बन सकती है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं लेवल फर्स्ट की, मैं बात करी है अभी लेवल फर्स्ट की। अब चलते हैं साइंस की तरफ, लेवल सेकंड में जो कल साइंस का पेपर था उस पर मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। अब चर्चा करते हैं भाई कि क्या कट ऑफ कितनी जा सकती है नॉन टीएसपी के लिए। देखिए अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मतलब आईक्यू लेवल उनका ज्यादा, लेकिन पेपर का जो लेवल था ना वो भी टफ था। हो सकता है कंपटीशन थोड़ा कम था लेकिन पेपर का लेवल अच्छा खासा था, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था, नेगेटिव मार्किंग भी थी। आज से पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, जिसका भी बहुत बड़ा लॉस होगा, जिसने प्रैक्टिस सेट हल किए थे वो 100% इसके अंदर सिलेक्शन लेकर जाएगा। अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी की तो अप्रोक्सीमेट आप ये मानकर चलिएगा कि 100 से लेकर 105 क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस में बात कर रहा हूं, मैं फिर बता दूं, मैं क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं,
अगर 105 क्वेश्चन के अराउंड आपके नेगेटिव मार्क निकाल के अगर क्वेश्चन सही बनेंगे 100% आप साइंस के अंदर सिलेक्शन लेकर जाएंगे दोस्तों। अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी की अप्रोक्सीमेट 98 क्वेश्चन जिसके सही बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग निकाल के आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां पर हर एक डिटेल मैंने डाली है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लेना उस चैनल को। अगर अपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लगभग 91 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके ठीक बन गए आपका सिलेक्शन इसके अंदर 101% हो जाएगा दोस्तों। वहीं अपन बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की तो 83 से लेकर 85। अब आप थोड़ा सा इसके अंदर और थोड़ी सी डिटेल जान लीजिएगा कि आप एक चीज मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन वो भी नेगेटिव मार्किंग निकालकर आपके कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भले ही रख लेना दोनों चीजों का, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े बताए हैं, न कि मैंने दोस्तों आपको इस चैनल से जोड़ने के लिए कोई भी गलत आंकड़ा बताया, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा बताया। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जरूर साबित हो जाएगा कि पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर बताया गया हर एक आंकड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट और सटीक था। जानकारी अच्छी लगी तो टेलीग्राम को ज्वाइन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी को जय हिंद जय भारत।